रामलीला कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीला के मंचन के बारे में दी जानकारी, सुरक्षा के पंडाल में किए गए विशेष इंतजाम। सीमापुरी में हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार, दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को अस्पताल से मिली छुट्टी, विधायक पीड़ित परिवार से मिले और आर्थिक सहायता की कही बात। पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीज 5 से भी कम, अधिकतर अस्पतालों में बेड पड़े खाली, जीटीबी अस्पताल में 450 बेड पर 3 मरीज भर्ती, राजीव गांधी और ईएसआई अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है भर्ती। रोहतास नगर में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर, जिस दौरान इलाके में देखी गई अफरा तफरी, मौके पर भारी सुरक्षा बल मौजूद। नंदनगरी पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा, चाकू के दम पर लूटे थे पैसे और मोबाइल, पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान लीला के आयोजकों ने बताया कि इस बार लीला का मंचन बेहद ही भव्य होगा। लीला में भगवान राम के कई स्वरूपों के दर्शन होंगे, साथ ही बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जो आयोजन किया जाएगा और लीला स्थल पर सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। लीला स्थल में जनक बाजार मुख्य आकर्षण होगा और साथ ही आयोजकों ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, सरकार ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है, जिसे दशहरा के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ अपनी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी 4 नए प्रसंग जो दिल्ली में आज तक मंचित नहीं हुए वो मंचित करने जा रहे हैं। एक में तो मेघनाथ का जन्म यहाँ दिखाया जाएगा। दशहरे के दिन रावण ने माँ तारावती की पूजा की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मुझे विजय प्राप्त करनी है, पर किन शर्तों के साथ वो वरदान मिला और जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई वो वंचित किया जाएगा। यहाँ पर हमने केकई भरत का जो संवाद है वो विशेष रूप से किया गया है हमारे, और सबसे बड़ा बात जो राम सीता विवाह होगा उसमें वरमाला का जो सीन है वो गीत रामायण जो मराठी की है किताब हमारी रामायण उससे लिया गया है। 4 नए प्रसंग रामलीला के अंदर इस बार मंचित किए जाएंगे। सेफ्टी के लिए हमने 4 लेयर बना रखी है, पहले वॉलंटियर हैं और पुलिस वाले हैं, सीसी कैमरा है, सिविल डिफेंस है, तो सिक्योरिटी के लिए हम बिल्कुल एकदम चारों तरफ से हर साल की तरह रखेंगे। निश्चित रूप से आतिशबाजी किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए सबसे बड़ा एक प्रतीकात्मक वो है जो उल्लास और हर्ष आतिशबाजी को जला के और आता है। हिंदू जितने भी त्यौहार हैं उसके अंदर आतिशबाजी एक बहुत बड़ा वो माना जाता है प्रतीक। आतिशबाजी की लगातार पॉल्यूशन को एक ढाल बनाकर आतिशबाजी के ऊपर बैंस लगते रहे हैं। पिछले हमें ग्रीन पटाखों की वो थी तो उसको हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया था, इस बार उनके ऊपर भी सुन रहे हैं। हालांकि विषय सुप्रीम कोर्ट में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि और उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। इस बार हर साल की भांति हम बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम रेगुलर उसी स्थिति के अनुसार कराएंगे। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे बच्चे जितने भी हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम रेगुलर करेंगे। इस बार हमारी रामलीला की खूबी रहेगी व्यंजन। आज आप राजस्थानी फूड का टेस्ट दे रहे हैं, उस दिन आपको जब हमारे रामलीला में आएंगे डिफरेंट तरीके के व्यंजन मिलेंगे, मराठी, गुजराती, बंगाली, हर तरीके के व्यंजन स्टॉल लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, सब लोगों को आपको ये व्यवस्था मिलेगी। वही सीबीडी ग्राउंड में होने वाली श्री हनुमंत रामलीला कमेटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि पहले हनुमान जी का चित्रण किया जाएगा, उसके बाद श्री कृष्ण लीला होगी और दुर्गा पूजा का भी पाठ किया जाएगा। पंडाल के अंदर 6,000 से 7,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। 3 एंट्री गेट होंगी, 2 इमरजेंसी गेट होंगी। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 64 सीटें लगाई गई हैं, साथ ही 4 मचान बनाई गई हैं और 50 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं। श्री राम भारतीय कला केंद्र से शिक्षा ग्रहण करे हुए कलाकार रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं और इसका एक अपना अनोखा रूप दिया है इस बार।
जैसे कि 25 सितंबर को डांडिया नाइट के नेक्स्ट डे वही कलाकार जो कि रामला का मंचन करेंगे वो हनुमान जी का चित्रण करेंगे। उसके बाद 27, 28, 29 सितंबर को श्री कृष्ण लीला होगी, कृष्ण जी के जन्म से लेके महाभारत तक का सारा वहाँ पे चित्रण होगा। 29 तारीख को दुर्गा सप्तशती जी का पाठ होने जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है और कितने भक्तजनों की बैठने की सुविधा है, तो करीब करीब 6 से 7 हज़ार आम आदमी का इसमें हमने पूरी सुविधा, जिसमें कि झूले, फूड स्टॉल, मंचन सब जगह, करीब करीब एसी सिटिंग, इंडोर एसी सिटिंग हमारी 500 आदमियों की है, प्लस 3000 आदमी की सोफ़ा प्लस चेयर सिटिंग है हमारी। उसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने पूछा, 60 सिक्योरिटी गार्ड हमारे गेट पे और अंदर मौजूद रहेंगे, और उसके अलावा 132 सीसीटीवी कैमरे, 64 सीसीटीवी कैमरे हमारे लगेंगे। 3 एंट्री गेट हैं हमारे और 2 इमरजेंसी एग्जिट गेट्स भी हैं। हमने जो सारा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, 64 सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, 2 PTZ कैमरा लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास 25 फायर सिलेंडर्स हैं जिसका एट ए टाइम हर समय वो मौजूद रहेंगे, 20 वाटर ड्रम रहेंगे और 25 जो है वो 25 सैंड बैग्स रहेंगे। इस रामलीला में जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जा रहा है फायर को देखते हुए, ये एक उत्कृष्ट और हाई लेवल का किया जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी खास तो ये है कि धर्म जागरण को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक युवा टीम है, नई टीम है, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ ये टीम रामलीला को इस धरातल पर लेकर आई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी पहल इस हमारी श्री हनुमान धार्मिक रामलीला ने पूर्वी दिल्ली में करी है। सिक्योरिटी के लिए 64 कैमरा सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, 2 PTZ कैमराज लगाए गए हैं जो 360 डिग्री एंगल के ऊपर सर्वेलेंस करता है। यहाँ पर पारंपरिक खाना तो है ही, थाली है, व्रत की थाली है, चाट चौपाटी है, साथ ही हमारी युवा पीढ़ी को इसमें और जोड़ने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए वेस्टर्न खाने का भी यहाँ प्रबंध किया गया है। सीमापुरी घटना में लोगों की जान जाने के साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल में से एक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वहीं दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। DCP ने बताया कि ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि मच्छर काटने की वजह से वह फुटपाथ पर सो रहा था, अचानक ट्रक आया और उसके हाथ पर चढ़ गया, जिसकी वजह से वह दूसरी तरफ गिर गया और बाकियों के ऊपर ट्रक चढ़ता चला गया। मौके की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र पाल गौतम आप मंत्री भी पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे और आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया है। हम लेटे हुए थे, ट्रक आया तेजी में, दारू पी रखी थी ड्राइवर ने, ने साइड मारी मेरे हाथ पे, उसका अगला पहिया डिवाइडर पे चढ़ गया और बाकी जितने लोग पीछे थे उन सबों को कुचल दिया उन्होंने ट्रक ने, और खंभे पर जाके ठूका, खंभा भी टूट गया, गिर गया। मेरा भाई है, अपने सगा भाई है मेरा, प्रदीप नाम है, वो मतलब घर से बाहर रहता है, हमारे घर पे नहीं रहता है, तो खाना पीना सारे वो बाहर ही करते थे। अब कल वो पता नहीं कल के क्या कर रहा होगा, नहीं कर, रात को फ़ोन आया मेरे घर पे, 2 बजे मैं अलग रहता हूँ ताहिरपुर में, तो उसी रात को फ़ोन आया मेरी मौसी की, तो कहने लगा संजय तेरे भाई की एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा, कह रहे उनमें 4-5 जने मर भी गए। तो मेरी घर वाली को और मेरे मम्मी मेरी सास को सबको लेकर आया रात को 2 बजे। अब 2 बजे के बाद फिर पुलिस वाले पूछने लगे कैसे हुआ नहीं हुआ, तो मैं सर ऐसी बात है, हमें तो पता नहीं, हम घर पे सोए हुए थे तो फ़ोन आया तुरंत। वहाँ मतलब पब्लिक आए थे भक्त हुए, सामने ही नज़दीक में ही घर है, तो वो खाना खा के मतलब निकले थे टहलने के लिए, तो 2-4 जने एक साथ ही बैठ गए, वो बात कर रहे थे, थोड़ा गर्मी वर्मी भी है, छोटा छोटा झुग्गी है, अब वो बैठ गए थोड़े, चलो हवा पानी खा ले बैठ जाए, तो इसी दौरान ही एकदम ट्रक आया, चढ़ाता हुआ ले गया। इसमें 4 जने तो खत्म हो गए और 1 जने घायल है। कबाड़ा बीनते यहाँ पटरी के किनारे में, और सो रहे थे, अचानक रात में गाड़ी आई और उनको सबको उड़ा दिया, 5-6 जने थे जिसमें 4 जने की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली की, तो पूर्वी दिल्ली में कोरोना के मरीज बहुत कम है। यमुना पार में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है, हॉस्पिटल में कोरोना के मामलों की संख्या भी काफी कम है। यमुना पार के 3 सरकारी अस्पताल हैं, कोरोना के मरीजों की संख्या 3 है।
अगर बात की जाए जीटीबी हॉस्पिटल की तो 450 बेड पर 3 मरीज भर्ती हैं, वहीं राजीव गांधी में 300 पदों पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। ईएसआई हॉस्पिटल में 18 बेडों पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। वहीं यमुना पार के प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो यमुना पार के सभी प्राइवेट अस्पताल मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 5 भी नहीं है। पूर्वी दिल्ली में कोरोना ना के बराबर है। दिल्ली में लगातार दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर अपना काम कर रहा है। शहादरा उत्तरी क्षेत्र के डीसी अमित कुमार शर्मा ने जब से कार्यभार संभाला है शायद ही कोई दिन बाकी रहता हो जब उनका बुलडोजर कहीं ना कहीं अपना काम नहीं करता। इसी कड़ी में आज रोहतास नगर की विधानसभा क्षेत्र के लालबाग इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया तो लोग इधर उधर देखने लगे तो उन्हें लगा कि शायद कोई राजनीतिक हस्ती उनको आकर बचा लेगी। वही पूर्व नगर निगम के समय में इस समय की कार्यवाही देखने को नहीं मिलती थी। साथ ही अमित कुमार शर्मा लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और देखा जा रहा है कि अभी तक करीब वेलकम, भजनपुरा, सीमापुरी, दिलचाद गार्डन, जनता कॉलोनी, शहादरा के क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा झुग्गियों और अवैध कब्जे को जमीन दोज कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली की नंद नगरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का मोबाइल फोन और सामान भी बरामद किया है। लुटेरों के पास से पुलिस को जांच के दौरान एक बटन वाला चाकू भी बरामद हुआ। पकड़े गए लुटेरे का नाम राजू और एंथनी है। आपको बता दें कि राजू सीमापुरी का रहने वाला है और एंथनी मेरठ का। पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है जिससे और भी केसों का खुलासा हो सके। बच्चे की अदला बदली का सच सामने लाने के लिए जीटीबी हॉस्पिटल ने डीएनए जांच कराने का फैसला किया है। बच्चे की बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाने के लिए टीम ने बच्ची और उन्हें जन्म देने वाली मां के सैंपल लिए हैं। सैंपल वापस आ गए हैं और परिजनों का कहना है कि डीएनए जांच के लिए दिए गए सैंपल से छेड़छाड़ हुई है। सैंपल सिर्फ मां और बच्ची का ही लिया गया, पिता का नहीं लिया गया। सैंपल दोबारा से लिए जाएंगे। सर डीएनए सैंपल के लिए गया था और अभी फोन करके बता रहे हैं कि सैंपल के साथ छेड़छाड़ हुई है इसलिए सैंपल रिटर्न आ गया है। अच्छा, रिटर्न आ गया जी। वाइफ का ले गया और बच्चे का लेके गया अभी फिलहाल। अच्छा, लड़की दिया है लेकिन वो अभी नर्सरी में है। कहीं ना कहीं इसमें चूक है। अब इसमें चाहे हॉस्पिटल वाले की चूक है या किसी और की चूक है लेकिन सर चूक है। टीम तो सर काफी जने आए थे, सैंपल अच्छी तरीके से सील हो गए थे लेकिन वो दोबारा बता रहे हैं कि सैंपल दोबारा वापसी आ गए हैं। तो आपके सामने आए थे? हाँ जी, मेरे सामने हुआ था सैंपलिंग। मेरे सामने जी 15-16 जने थे। 15-16 जने। आज आपको क्या बताया जा रहा है? आज मेरे को ये बताया जा रहा है कि सैंपल वापस आ गए। तो क्या दोबारा सैंपल ले जाएंगे? हाँ, कुछ करें। अब दोबारा लेंगे तो अब देखो जी अब कैसे क्या क्या होता है। देखिए जिस दिन हम लोग वहाँ हॉस्पिटल गए थे और हम लोगों ने पहले दिन ही इस बात की शंका जाहिर कर दी थी कि सैंपल के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। पुलिस के अधिकारियों को भी मैंने उसी दिन कहा था वहाँ से कि देखिए छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए सैंपल के साथ। लेकिन ये लड़ाई अस्पताल के साथ नहीं है, पूरे सिस्टम के साथ थी, सरकार के साथ ये लड़ाई है। उनको पता है अस्पताल प्रशासन को कि अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग दोषी पाए जाते हैं तो इतने बड़े दिल्ली के अस्पताल के ऊपर कलंक लगेगा। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी इनक्लेव के डीडीए ग्राउंड में रामलीला को लेकर दो पक्षों में ठनी हुई है। कड़कड़ुमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, कल फैसले को सुनाया जाएगा और साथ ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ग्राउंड को लेकर विवाद श्री आदर्श रामलीला कमेटी और श्री रामलीला समिति के बीच में है। पहले की तुलना में अब लोगों की परिवहन संबंधी जरूरतें भी काफी बदल गई हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूटों में बड़ा बदलाव किया गया। जिन पर यात्रियों की तादाद और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों की उपलब्धता और उनकी फ्रीक्वेंसी तय की जाएगी, जिससे डीटीसी कई सालों के बाद अपनी बसों के रूट्स बदलने की तैयारी में है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को बसों का इंतजार लंबे समय तक करना पड़ता है, जिसके बावजूद भी लोगों को बसें नहीं मिलती। वहीं इस मसले पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि रूट्स बदलने की बजाय अगर बसों की सर्विस को ध्यान में रखा जाए तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। वहीं इस मसले पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि रूट्स बदलने की जगह अगर बसों की सर्विस को ज्यादा बढ़ाया जाए तो बेहतर हो जाएगा। साथ ही बसों के रूट्स भी नहीं बदलने पड़ेंगे क्योंकि बसों की सर्विस कम है जिसकी वजह से बसें काफी लेट आती हैं। रूट बदलना गलत है, ये कहने का मतलब गाड़ियों को बढ़ाया जाए। जैसी आबादी बढ़ रही है, यही जनसंख्या है, उस हिसाब से गाड़ियों को लाया जाए ना, उसमें ज्यादा फायदा है। रूट बदलने से दिक्कत होती है, बसों का इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, अब यहाँ पर काफ़ी देर लगे हो गए, आध घंटे हो गए, वो मुझे बैठे बैठे यहाँ पर गाड़ी नहीं है और दो गाड़ी निकली वो ज़्यादा भरी हुई थी। कोई रूट कोई सहायक, कोई रूट कोई सहायक, जाना भी 476 पे, 473 पे और आ रही 676। रूट बदलने में नंबर बदले जाएंगे ना बदले जाएंगे, हाँ तो ये टेंशन पैदा जाती है। काफ़ी देर तक बसें नहीं आती, अभी तो ठीक से पहले ही सर्विस नहीं मिल पा रही है तो फिर रूट बदलना क्या अच्छा है। इसमें अच्छी सर्विस दें, बसें बढ़ाई जाएँ।
काफ़ी दिक्कत होंगी, नए रूट ओपन होंगे तो उसकी किसी को जानकारी नहीं होगी कि ये कहाँ जा रही है, तो इससे दिक्कत तो होनी है। जैसे कि जहाँ कम लोग होते हैं वहाँ बस अधिकतम बहुत कम रुकती है, जब हमें पता ही नहीं होगा कि बस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो फिर बीच अदरवाइज टर्मिनल का तो जो भी है वो हमें चलो पता लग जाएगा, लेकिन बीच में कहाँ कहाँ से होके जाएगी वो हमारी नॉलेज में नहीं होगी। तो पूर्व दिल्ली के पार्कों की स्थिति बेहद खराब है। अगर बात की जाए विश्वास नगर के डी ब्लॉक के पार्क की, तो यहाँ पर पार्क की स्थिति काफी बदहाल है। पार्क में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थिति यह है कि एक एक महीने तक यहाँ पर सफाई नहीं होती। जिम की मशीनें तो लगी हुई हैं, लेकिन उनकी आधे से भी ज्यादा मशीनें खराब हो चुकी हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये शौचालय के साथ ही बना हुआ है। हकीकत में शौचालय की जगह है ये, तो बाद में इसे आधे में शौचालय बना दे, आधे में पार्क बना दे कि बच्चे बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे खेलने के बजाय यहाँ पे गंदगी फैला रखी। ना तो यहाँ कोई सफाई करने वाला आता है, ना कोई देख रेख है इसकी, ना कुछ नहीं है, मतलब किसी तरह कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई झांकने भी नहीं आता इस पार्क के अंदर। कूड़ा बूड़ा ये सब गंदगी, कूड़ा ये आसपास के ये खिड़की विड़की ये सब निकल रहे हैं, सब अपना कूड़ा बाहर फेंकने की बजाय पार्कों में फेंकते हैं। पेड़ पौधे भी लगाए थे यहाँ पे, जब उन्होंने करवाया था, जब बिल्कुल सही करवा दिया था उन्होंने, पटरी वटरी ये सब बनवा दिए थे और पेड़ पौधे भी लगाए गए थे यहाँ पे, लेकिन बाद में सब ऐसे खराब, बाद में कोई मेंटेनेंस ही नहीं है इसका, मेंटेनेंस कुछ है ही। सामने देखो घरों से कूड़ा फेंका जाता है, सामने जो पानी आता है नलकों का, घरों का जो धुआं हुआ गंद का पानी आता है सारा, ये सब जो है पार्क की तरफ ही कर रखा है उन्होंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, असामाजिक तत्व भी मतलब जो आते हैं यहाँ, गलत काम, दारू पीना, बैठना यहाँ पे, गाली गलौज भी करना, लोगों को परेशान भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई बोलता है तो एक्शन भी लेते हैं वो लोग। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। जब मान लीजिए पार्क के अंदर कोई इसका देखभाल करने वाला अगर अगला हो, तो इस पे जो सेफ्टी रहेगी हर चीज़ की और गंदगी से बचाव होगा। क्या पार्क ऐसे होते हैं? नहीं ऐसे होते तो नहीं है, लेकिन फिलहाल में क्या किया जाए। अब ये पहले तो सबसे पहले किसी को कहने से पहले इंसान को अपने आप को बदलना चाहिए ना, कि इसलिए गंदगी रुकेगी कि हम अगर गंदगी न करेंगे तभी तो हो सकता। भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखना हर किसी के लिए एक चुनौती बन गया है। इन दिनों लोग शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मेंटल हेल्थ की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में योगा करें। जब हमने इस मुद्दे पर डॉक्टर और योगा टीचर से बात की, तो उनका कहना था कि व्यायाम चाहे आप कोई भी करें, लेकिन उसे रेगुलर करना बेहद जरूरी है। अगर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना व्यायाम ना करें। योगा एवरी डे करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 30-45 मिनट एटलीस्ट करें। योगा एक्सरसाइजेस में आपको 10 मिनट कम से कम प्राणायाम को देने चाहिए और 15 से 20 मिनट आपकी बैक, आपके पूरी स्पाइन, आपके पूरे लंग्स, आपके पूरे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए और 10 से 15 मिनट आपको अपने वेट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग का सबसे बड़ा रोल है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप फॉरवर्ड बैंड हो रहे हैं, तो आपको सांस भर के छोड़ के देन होल्ड करना है और फिर एक्सरसाइज करनी है, और जब आप बैकवर्ड बैंड हो रहे हैं तो आपको सांस भर कर देन होल्ड करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।